हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। तो देखिए इसकी हेडिंग क्या कहती है, इसका टॉपिक क्या है, विजुअल इफेक्ट्स इन एमएस पावरपॉइंट 2016। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पावरपॉइंट है क्या। तो वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, पावरपॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपनी प्रेजेंटेशन को जितना चाहे उतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और हमें बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रेजेंटेशन देनी होती है, स्कूल में सेमिनार्स या कॉलेज में सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो हमें उसमें सामने प्रोजेक्टर पर अपना कुछ भी टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है। तो उसको और ज़्यादा अच्छे ढंग से बनाने के लिए, दर्शाने के लिए हम पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है इंट्रोडक्शन में, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 प्रोवाइड्स वेरियस टेक्स्ट, अलग अलग टाइप के टेक्स्ट हमें प्रोवाइड कराता है, ऑब्जेक्ट एंड स्लाइड फॉर्मेटिंग फीचर्स टू ऐड विजुअल इफेक्ट्स, जिसे हम विजुअल इफेक्ट में ऐड कर सकते हैं, विच हेल्प टू इन्हेंस द लुक ऑफ अ प्रेजेंटेशन। जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है उसका लुक इन्हेंस करता है, उसका लुक और ज़्यादा बढ़ाता है। दीज इफेक्ट्स मेक अवर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव, और जो इफेक्ट्स हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, अपीलिंग एंड प्रेजेंटेबल। मीन्स अपीलिंग का मतलब लोग उससे आराम से देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, उस पर फोकस कर पाएंगे। प्रेजेंटेबल जिससे हम उसको इजीली लोगों के सामने रख सकें। लेट अस लर्न टू मेक यूज ऑफ दिस फीचर्स इन अवर प्रेजेंटेशन। अब जो फीचर्स हम यूज करेंगे तो पहले हम थोड़ा थोड़ा वो सीखेंगे, फिर हम एट लास्ट में उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है स्लाइड मास्टर। तो द स्लाइड मास्टर इज एन एलिमेंट ऑफ द डिजाइन टेम्पलेट दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्पलेट इंक्लूडिंग फॉन्ट स्टाइल्स, प्लेस होल्डर, साइजेस एंड पोजिशंस, बैकग्राउंड डिजाइंस एंड कलर स्कीम। तो सीसीडी वो क्या क्या प्रोवाइड कराएगा, एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें प्रोवाइड कराता है डिजाइन टेम्पलेट, किस टाइप की दैट स्टोर, जिसके अंदर होते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टेम्पलेट इंक्लूडिंग फॉन्ट स्टाइल्स, प्लेस होल्डर, साइजेस, पोजिशन, बैकग्राउंड डिजाइंस एंड कलर स्कीम्स। द स्लाइड मास्टर इज यूज टू मेक चेंजेस ऑन ऑल स्लाइड्स इन वन गो, और आपको सारी स्लाइडों में एक साथ चेंजेस करना है तो आप इसके यूज करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वुड लाइक टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑन द टाइटल ऑफ ऑल स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन, इट इज बेस्ट टू यूज स्लाइड मास्टर, अदरवाइज यू विल हैव टू मेक चेंजेस ऑन द इंडिविजुअल स्लाइड। अब मान लीजिए आपने 6 स्लाइड्स बनाई, 6 स्लाइड में आपने हेडिंग कुछ रखी, लेकिन उन हेडिंग का सबका आपको फॉन्ट चेंज करना है, लिखने का तरीका चेंज करना है, तो आपके दो ऑप्शन है, या तो एक एक करके सबके पास चेंज कर दो, या फिर क्या करें, स्लाइड मास्टर का यूज करके एक साथ पूरे में चेंज हो जाएगा। इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल ये लें, जैसे कि हमें कोई भी सूचना देनी हो, तो या तो आपके 4 फ्रेंड हैं उनको सीधे सीधे अलग अलग जाके बोलिए, या फिर सीधे से एक मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में, तो अगर वो ग्रुप में ऐड होंगे उसको देख लेंगे। व्यूइंग द स्लाइड मास्टर, हमें स्लाइड मास्टर कैसे देखने को मिलेगा, मीन्स ये ऑप्शन कहाँ पे होता है, तो टू व्यू द स्लाइड मास्टर फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे पहले क्या करना है, व्यू टैब पे क्लिक करना है, टॉप पे आता है ये, यहाँ पे आपकी जो टाइटल बार के जस्ट नीचे बार होती है मेन्यू बार, फाइल व्यू वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद स्लाइड मास्टर पे क्लिक करिएगा, फ्रॉम द मास्टर व्यू, मास्टर व्यू के अंदर जाकर द स्लाइड मास्टर टैब अपीयर्स, उसके बाद जो स्लाइड मास्टर टैब है वो आपके पास अपीयर हो जाएगी, ये आपकी स्लाइड मास्टर ऑप्शन, ये था मास्टर व्यूज। ओके, आगे देखिए, द स्लाइड मास्टर विल बी डिस्प्लेड विद ऑल द प्लेस होल्डर्स, ठीक है। You can make the following changes to the slide master just as you would change any slide. These changes include font styles for title, body and footer text, placeholder position for text and objects, bullet styles, background design and color scheme, header and footer. Means इन सारी चीज़ों से related आप work कर सकते हैं इस PowerPoint में, okay? तो पावरपॉइंट क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम अपनी प्रेजेंटेशन को जितना ज़्यादा चाहें उतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसी टाइप से जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे हम एनिमेशन लगा सकते हैं, कैसे कैसे हम स्लाइड को रिमूव और ऐड कर सकते हैं। आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।